हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक एंड वेलकम टू माई चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड से रिलेटेड टेक्स और जानेंगे कैसे कैसे ऐसी कौन सी टेक्स है जिसके थ्रू हम ये जो पूरा जेनेटिक कोड है या पूरा जो टेबल है उसे कैसे लर्न कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे देख सकते हैं कि जो एक से ज़्यादा जो ट्रिपलेट कोडाउन है वो कितने अमीनो एसिड कोड कर रहा है या कितने ऐसे ट्रिपलेट कोडाउन है जो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं। तो आज हम इस जेनेटिक कोड के टिक के बारे में बात करेंगे और ये टेबल बनाना सीखेंगे कि टेबल जो है वो कैसे बनती है और साथ ही साथ हम कैसे कैसे जो अमीनो एसिड्स को है वो प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा। तो चार इंपॉर्टेंट लाइंस है, हर कॉलम के लिए एक लाइन, यानी कि इस कॉलम के लिए एक लाइन है, दूसरे कॉलम के लिए अदर लाइन, तीसरे कॉलम के लिए अदर लाइन और चौथे कॉलम के लिए अदर लाइन। तो मैं आपको चार लाइंस बताऊंगा, अगर आपने उन चार लाइंस को याद कर लिया या लर्न कर लिया तो आप ये पूरा जो जेनेटिक कोड का जो टेबल है इसे आप आसानी से बना पाएंगे और आप साथ ही साथ जो अमीनो एसिड्स हैं हर ईच वर्टिकल कॉलम में उसे आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं जेनेटिक कोड का। तो जैसा हमें पता है और जैसे तो आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने जेनेटिक कोड के ऊपर एक वीडियो बनाया था, एक डिटेल्ड वीडियो। तो मैंने उसमें बताया था कि जो जेनेटिक कोड होता है ये टेम्पलेट इन नेचर होता है। ठीक है, जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट इन नेचर। ओके, मींस इट इंक्लूड थ्री न्यूक्लियोटाइड, 1 2 3 लाइक। ओके, तो इट इंक्लूड थ्री न्यूक्लियोटाइड एंड देन दीज थ्री न्यूक्लियोटाइड दे मेक वन कोडॉन। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स हाउ मेनी? तो इफ वी सी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स तो इट इज, जैसा हमें पता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए उसमें क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओके, तो 4 एंड देन जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, ट्रिपलेट इन नेचर है, तो इसकी पावर 3। तो नाउ इट इज इक्वल टू 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स कितने हैं, वो है 64। तो इस टेबल में जैसे आप देख सकते हैं कि हर ब्लॉक में चार चार जो है वो कोडॉन्स प्लेस हैं। तो इसमें देखिए 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, तो ईच रो में कितने हैं, 4 8 12 16। ओके, तो 16 कोडॉन एक रो में है। अब चार रोज हैं तो 16 × 4 = 64। तो इस टेबल में क्या है, टोटल जो है वो 64 कोडॉन्स को प्लेस किया गया है। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं कि इन अमीनो एसिड में कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड है जो एक से ज्यादा कोडॉन्स को प्ले कोड करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर देख ले, अगर बात कर ले हम लोग ल्यूसीन, सेरीन, अर्जिनिन। ओके, तो ये कितने कोडॉन्स हैं, इनके पास कितने कोडॉन्स हैं, तो इनके पास 6 कोडॉन्स हैं। ओके, अगर हम बात करें ग्लाइसिन, प्रोलीन, एलाडीन, वैलिन, थ्रियोनिन, तो इनके पास कितने कोडॉन्स हैं, इनके पास 4। वहीं अगर बात की आइसोल्यूसिन की, आइसोल्यूसिन, तो इसके पास कितने हैं, 3। वहीं अगर बात करें हम मिथियोनिन या ट्रिप्टोफैन की, तो इनके पास कितने कोडॉन्स हैं, तो ये 1 कोडॉन। अब जितने बचे हुए अमीनो एसिड हैं, रेस्ट अमीनो एसिड, दे आर हैविंग 2 कोडॉन्स। ओके, सो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि जो ल्यूसीन, सेरीन, अर्जिनिन है, ठीक है, इन अमीनो एसिड को 6 कोडॉन जो है वो कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्जिनिन की बात करें तो इसमें देखिए जो अर्जिनिन है ये 4 कोडॉन्स हो गए एंड द रिमेनिंग 2 कोडॉन्स, ये तो 6 कोडॉन। तो 6 कोडॉन क्या करेंगे, अर्जिनिन जो अमीनो एसिड है उसे कोड करेंगे। ऐसे अगर ग्लाइसिन देख लें तो इसमें कितने हैं, 4 कोडॉन। तो इधर क्या है, देखिए 1 2 3 4 कोडॉन, यानी कि ये जो 4 कोडॉन्स है दे हैव द एबिलिटी टू कोड दिस ग्लाइसिन अमीनो एसिड। मगर मिथियोनिन की बात करें, ट्रिप्टोफैन की बात करें, तो मिथियोनिन देखिए कितना कोडॉन है, 1, यानी AUG जो कोडॉन है इट कैन कोड ओनली फॉर मिथियोनिन। वहीं ट्रिप्टोफैन की बात करें तो इसका भी सिर्फ एक ही कोडॉन है, ओनली दिस UGG इट हैज द एबिलिटी टू कोड टू फॉर ट्रिप्टोफैन। तो ये क्या हो गया, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। और इससे रिलेटेड जो SSI या नीट में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि हाउ मेनी लाइक कोडॉन्स आर फॉर ल्यूसीन, सेरीन और अर्जिनिन, मीन्स हाउ मेनी कोडॉन्स कोड फॉर दीज अमीनो एसिड लाइक ल्यूसीन, सेरीन, अर्जिनिन, देन योर आंसर विल बी 6। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था,
कोडोन्स के बारे में और हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड के बारे में। अब जो ये जेनेटिक कोड का जो टेबल है ये कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको जो पहले वर्टिकल कॉलम में यू सी ए जी लिखना है, ओके। फिर आपको जो सेकेंड लेटर रहेगा एक रो में जो रहेगा वो क्या रहेगा, यू सी ए जी। आफ्टर दैट आपको थर्ड लेटर में यू सी ए जी लिखना है, ओके। ये हर ब्लॉक के लिए रहेगा, अंडरस्टूड। तो अब आपको क्या करना, बस मल्टीप्लाई कर देना है यू 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 यू। अब जैसा कि एक ब्लॉक में फोर कोडॉन्स है, ठीक है, तो आपको यू यू को फोर टाइम्स लिखना है, यू यू। इतना आप हाइड करके देख सकते हैं, यू 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 यू, ओके। देन द सेम सी यू, देन सी यू आपको फोर टाइम लिखना है, इसे आप हाइड कर दीजिएगा, ठीक है। सपोज ये हाइड है, तो सी यू सी यू सी यू सी यू, लाइक दैट अगेन ए यू, देन ए यू को आपको फोर टाइम लिखना है, देन जी यू, जी यू को आपको फोर टाइम लिखना है। अब जो आपका थर्ड लेटर यू सी ए जी, इसे आपको हर एक ब्लॉक में लिखना है, तो बचा हुआ जो लास्ट लेटर है वो क्या है, यू सी ए जी, यहां से लिया, फिर यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, ओके। सेम जो ट्रेंड है आप फॉलो करेंगे दूसरे कॉलम में भी, यू सी को फोर टाइम, सी सी को फोर टाइम, ए सी को फोर टाइम, जी सी को फोर टाइम, एंड देन यू सी ए जी एट द एंड, ओके। यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, सेम विद यू ए के साथ, सी ए के साथ, ए ए के साथ, एंड देन जी ए के साथ, फिर एंड में यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, देन द लास्ट यू जी को फोर टाइम्स, देन सी जी को फोर टाइम्स, देन ए जी को फोर टाइम्स, देन जी जी को फोर टाइम, एंड देन यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। तो ऐसे क्या करके आप टोटल जो है 64 जो कोडॉन्स है उसे एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कैसे आप कोडॉन्स को लिखेंगे। अब आपकी बात आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो कोडॉन है वो किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको ओनली फोर लाइन्स यू हैव टू लर्न, एंड देन यू कैन प्लेस ऑल द अमीनो एसिड इन दिस जेनेटिक कोड टेबल, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं वो ट्रिक। So, जो पहले ट्रिक है वो पहला जो लाइन है वो क्या है, ओके। तो पहला लाइन है फेलू कुमायो, लॉयल है जो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है फेलू कुमायो लॉयल है तो आई मूव्ड इन वैन। तो आपको ये जो लाइन है ये याद रखनी है। अब अगर आपने ये लाइन याद रखी तो आप जो पहला वर्टिकल कॉलम है इसमें आप अमीनो एसिड को प्लेस कर सकते हैं। कैसे, अब इसमें आपको लेना है पी एच ई, ओके। पी एच ई मतलब फिनाइल एलानिन, ओके। तो पहले में क्या है, फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब इसके साथ आपको ये भी याद रखना कि हर ब्लॉक में कितने कितने अमीनो एसिड हैं। जैसे इसमें देखिए दो अमीनो एसिड पहले ब्लॉक में, देन सेकंड ब्लॉक में वन, देन अगेन थर्ड ब्लॉक में थ्री, सॉरी टू, एंड देन लास्ट ब्लॉक में वन, तो टू वन टू वन। तो आपको ये भी याद रखना कि जो पहले ब्लॉक में उसमें टू वन अमीनो एसिड है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, फेलू कुआयो लॉयल है तो आई मूव्ड इन वैन, ठीक है। तो जो पहला अमीनो एसिड क्या हो गया, फिनाइल एलानिन, ओके। अब ल्यू दूसरा अमीनो एसिड आप क्या प्लेस करेंगे, ल्यू, जिसे हम बोल सकते हैं ल्यू, जैसे बोलेंगे ल्यूसीन, तो क्या आ रहा है साउंड, ल्यू। तो ल्यू से आप क्या लिख सकते हैं, ल्यूसीन, ओके। देन फेलू कुआयो का जो पूरा वर्ड है कंप्लीट हो गया। अब लॉयल है तो इसमें एल आप ले सकते हैं, क्योंकि एल जो है इसका वन
लेटर सिंबल भी होता है ल्यूसीन का, ठीक है, इसमें भी आप एल लिख सकते हैं, आप यहां से भी एल लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया ल्यूसीन। ओके, उसके बाद क्या होता है तो को हम लोगों ने बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है, लिखा है, तो इसका कोई यूज नहीं है। अब बात आती आई की, तो आई का मतलब आइसो ल्यूसीन। ओके, देन मूव इन वैन, तो एम से क्या आपका हो गया मिथियोनिन, मिथियोनिन। ओके, देन इन वैन, तो बी से आपने क्या ले लिया वैलिन, तो ये क्या हो गया आपके जो अमीनो एसिड है इस सेंटेंस से आपने वो पता लगा दिया। तो आपको क्या लाइन याद रखनी है, फेल कुआयो लॉयल है तो आई मूव्ड इन वैन, बहुत ही आसान सिंपल लाइन है। तो पहला जो है अमीनो एसिड फिनाइलएलानिन, दूसरा ल्यूसीन, तीसरा ल्यूसीन, देन आइसोल्यूसीन, देन मिथियोनिन, देन वैलिन। अब आपको इन्हीं अमीनो एसिड को प्लेस कर देना है अपने जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। अब जो पहला कॉलम उसमें कितना अमीनो एसिड टू, तो ये कितना अमीनो एसिड है टू। देन सेकंड ब्लॉक में कितने हैं वन, तो इसमें क्या है वन। देन थर्ड ब्लॉक में कितना है आइसोल्यूसीन एंड मिथियोनिन, तो कितने हो गए टू। और जो लास्ट ब्लॉक है उसमें क्या है एक अमीनो एसिड है, तो ये क्या हो गया वन, तो आपका क्या हो गया टू वन टू वन टू वन टू वन। तो इस लाइन से आप क्या कर सकते हैं जो पहले वर्टिकल कॉलम है उसमें आप अमीनो एसिड को प्लेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं जो आपको कोडॉन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कैसे आप लिखेंगे। तो ये होगी हमारी पहली लाइन जिसके थ्रू आप जो अमीनो एसिड को है वो प्लेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्टिकल कॉलम के बारे में, ठीक है, तो ये पहली लाइन हो गई। ओके, नाउ वी टॉक इन ऑफ द सेकेंड वर्टिकल कॉलम, सो सेकेंड क्या हुआ आप बहुत सिंपल लाइन याद करनी, सर्वेंट ने प्रोटीन इंजेक्शन के थ्रू लिया। ओके, क्या लाइन आपको याद लग रही है, सर्वेंट ने प्रोटीन इंजेक्शन के थ्रू लिया। ओके, तो अब इसमें आप क्या देख सकते हैं, तो इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड आएंगे, तो सबसे पहले सेकंड कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट ऑलरेडी हमने कर लिया है, अब सेकंड वर्टिकल कॉलम की, तो आपको लेना है सेर, जो कि एब्रीवेशन भी है सेरीन का। ओके, तो ये क्या हो गया सेरीन। ओके, दूसरा क्या है प्रो, जैसे प्रोलीन, ठीक है, तो प्रोलीन का एब्रीवेशन क्या है प्रो, तो ये क्या हो गया प्रोलीन। ओके, उसके बाद टी एच आर, ये किसका एब्रीवेशन है थ्रेओनीन का, थ्रेओनीन, ठीक है। अब लास्ट में आपको ए लेना है, तो ए किसका एब्रीवेशन हो गया एलानीन। ओके, सो आपको सेकंड वर्टिकल कॉलम के लिए क्या लाइन याद रखनी है, सर्वेंट ने प्रोटीन इंजेक्शन के थ्रू लिया, ठीक है, तो ऐसे याद क्या हो गया, ये एब्रीवेशन होता है सेरीन का, तो सेरीन हो गया। दूसरा पी आर ओ, ये एब्रीवेशन किसका होता है प्रोलीन का, तो प्रोलीन हो गया। फिर टी एच आर, ठीक है, टी एच आर किसका एब्रीवेशन होता है थ्रियोनीन का, तो थ्रियोनीन हो गया। और लास्ट जो लिया है उसमें से जो ए लेंगे वो क्या है एलानिन। ओके, तो अब आप कैसे प्लेस करेंगे, तो एक ब्लॉक में वन, दूसरे ब्लॉक में वन, तीसरे ब्लॉक में वन, चौथे ब्लॉक में वन, ठीक है, तो इसमें कितने अमीनो एसिड हैं फोर, तो पहला ब्लॉक में सेरीन आ गया, सेकंड ब्लॉक में प्रोलीन, थर्ड ब्लॉक में थ्रियोनीन, और जो लास्ट ब्लॉक है उसमें एलानिन आ गया, ठीक है। तो आपको क्या लाइन याद रखनी है, सर्वेंट ने प्रोटीन इंजेक्शन के थ्रू लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप जितने भी जो फोर अमीनो एसिड हैं उन्हें आप प्लेस कर देंगे वर्टिकल सेकंड वर्टिकल कॉलम में, अंडरस्टूड ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में, तो नेक्स्ट लाइन क्या है टाइसन हिमाचल क्यों गया,
आसाम से लाइक कर देता। ओके सो जो आप थर्ड जो वर्टिकल कॉलम है उसके लिए आपको ये लाइन याद रखती है। लाइन क्या है? टाइसन हिमाचल क्यों गया? असम से लाइक कर देता। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन है, आपको बस याद रखना है टाइसन हिमाचल क्यों गया? असम से लाइक कर देता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ये थर्ड वर्टिकल कॉलम के बारे में। अब टाई से क्या हो गया? टाई से क्या हो गया? टायरोसिन। ओके, अब इसमें क्योंकि स्टॉप कोडन आते हैं तो हम इन स्टॉप कोडन को नहीं लेंगे, क्योंकि दीज स्टॉप कोडन दे डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ठीक है, तो हम इन स्टॉप कोडन को छोड़ देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या आएगा? एच। ठीक है, तो एच से क्या आ जाएगा? हिस्टिडीन। एच से क्या आ गया? हिस्टिडीन। ठीक है, अब क्यू। क्यू जैसे कि मैंने आपको अपने अमीनो एसिड की टेक्स्ट में बताया था, जो क्यू किसका सिंबल होता है? ग्लूटामीन का। किसका सिंबल होता है क्यू? ग्लूटामीन का। ठीक है, तो क्यू से क्या आ गया? ग्लूटामीन। ओके सो अब हम बात करते हैं अपने अदर और भी बचे हुए अमीनो एसिड के बारे में। ओके ठीक है, तो क्यों से क्या हो गया? ग्लूटामिन। अब बात करते हैं गया, जो उन्होंने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बनाया है। अब इसके बाद क्या होता है? ए आता है। ठीक है, ठीक है, अब आसाम का ए से क्या आएगा? एस्पराजीन। एस्पराजीन। ओके, उसके बाद क्या आएगा? फिर से हम लोगों ने क्या किया सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए किया है। अब के क्या है? लाइसिन। ठीक है, के क्या है? ये वन वर्ड सिंपल है लाइसिन का। ठीक है, तो लाइसिन का के जो है वो डिनोट करेगा लाइसिन को। फिर कर देता, अब डी किसका होता है? जो डी सिंपल है वो किसका है? एस्पार्टिक एसिड। ओके, और जो ई है वो किसका है? ग्लूटामिक एसिड एसिड। ओके सो आपको जो थर्ड कॉलम है उसे याद करने के लिए कौन सी लाइन याद करनी है? टाइसन हिमाचल क्यों गया? असम से लाइक कर देता। आपको ये लाइन याद करनी है। उसके बाद क्या आप कर सकते हैं? आप जो डिफरेंट अमीनो एसिड है उन्हें इस जेनेटिक कोड की टेबल में प्लेस कर सकते हैं। तो टाई से टाइरोसिन, एच से हिस्टिडीन, क्यू से ग्लूटामिन जो कि वन वर्ड लेटर सिंबल है, ए से एस्पराजीन, के से लाइसिन, देन डी से एस्पार्टिक एसिड और ई से ग्लूटामिक एसिड। ओके, ई से ग्लूटामिक एसिड। ओके सो अब आप क्या कह सकते हैं कि देखिए जो पहला ब्लॉक है उसमें कितना अमीनो एसिड है? वन। कितना है? वन। दूसरा जो ब्लॉक है उसमें कितना अमीनो एसिड है? टू। कितने हैं? टू। तीसरा जो ब्लॉक है उसमें कितना अमीनो एसिड है? टू। फिर चौथा जो ब्लॉक है उसमें कितना अमीनो एसिड है? टू। तो कितने अमीनो एसिड हो गए? वन टू टू टू। ओके, वन टू टू टू। ओके, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं जो थर्ड वर्टिकल कॉलम में है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड को प्लेस कर सकते हैं। आपको क्या याद करना है? बस एक लाइन याद करनी है, टाइसन हिमाचल क्यों गया? असम से लाइक कर देता। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? आप इस लाइन में देख सकते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड जो है वो हाइड है, और उन अमीनो एसिड को आप फिर इसी तरह जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया इस ट्रिक के थ्रू आप प्लेस कर सकते हैं, और जो जेनेटिक कोड का टेबल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट लाइन के बारे में। ओके, तो हमारी लास्ट लाइन क्या है? तो हमारी लास्ट लाइन क्या है? अब जो लास्ट लाइन है वो इस कॉलम के लिए, जो फोर्थ कॉलम है उसके लिए है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या रखना है? शिशु
ट्रिप पर रोज सेवैया, रोज एक गिलास बियर पीता था। ओके, तो आपको क्या लाइन याद रखनी है? जो फोर्थ वर्टिकल कॉलम के लिए, शिशु ट्रिप पर रोज सेवैया, रोज एक गिलास बियर पीता था। ठीक है, आपको ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, अब इस लाइन से आप कैसे अमीनो एसिड को निकाल सकते हैं? तो जैसे ही फोर्थ कॉलम है, ठीक है, तो आप सबसे पहले हम देखेंगे सिस। तो सिस से जब नाम ले रहे हैं तो आपको कौन सा अमीनो एसिड याद आ रहा है? सिस्टीन। ओके, सिस जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपके साउंड से कौन सा आ रहा है, मुंह से जो साउंड आ रहा है उसमें कौन सा अमीनो एसिड का नाम आ रहा है? सिस्टीन। ओके, तो सिस का मतलब क्या हो गया? सिस्टीन। ओके, उसके बाद जो सेकेंड अमीन मतलब जो कोडोन है वो क्या है? स्टॉप कोडोन है। तो ये भी कोई अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं करता है, तो इसे भी हम लीव छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब ट्रिप। ठीक है, दूसरा क्या है? ट्रिप से आपको कौन सा अमीनो एसिड साउंड कर रहा है? ट्रिप्टोफैन है कि नहीं? ट्रिप बोल रहे, ट्रिप यानी कि TRP, जैसे उसका एब्रिवेशन हो गया ट्रिप्टोफैन का। तो टिप से क्या हमें याद आ रहा है या क्या साउंड मुंह से निकल रहा है? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो टिप क्या डिनोट करता है? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ओके, पर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए रोज, तो रोज में जो आर है ये क्या है? आर। ये आर क्या डिनोट कर रहा है? अर्जिनिन। ओके, क्योंकि आर जो है वो क्या है? वन लेटर सिंबल है किसका? अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड का? तो अर्जिनिन का। तो आर जो है वो वन लेटर सिंबल है अर्जिनिन का। ठीक है, नेक्स्ट सेवैया। ओके, तो इसमें से जो एस है, ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है? कौन सा अमीनो एसिड को? सेरीन। ठीक है, जो वन लेटर सिंबल है सेरीन का वो क्या है? एस। तो ये क्या होगा आपका? सेरीन। ओके, फिर रोज। ओके, अगेन रोज आया, तो ये आर क्या डिनोट कर रहा है? अर्जिनिन, जैसा मैंने हमने पिछली बार देखा था इस वाले अमीनो एसिड में। ठीक है, तो आर क्या है? ये वन लेटर सिंबल है अमीनो एसिड अर्जिनिन का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अर्जिनिन। ओके, नेक्स्ट एक गिलास बियर पीता था। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जी देखेंगे, तो जी क्या डिनोट कर रहा है? कौन सा अमीनो एसिड? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो कि वन लेटर सिंबल ग्लाइसिन का क्या होता है? जी। ठीक है, बाकी जो बियर पीता था वो हम लोग ने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा है। ठीक है, तो आपको ये जो फोर्थ ब्लॉक है, वर्टिकल कॉलम है, इस वर्टिकल कॉलम को याद करने के लिए ये लाइन याद करनी है, शिशु ट्रिप पर रोज सेवैया, रोज एक गिलास बियर पीता था। अंडरस्टूड ना? शिशु ट्रिप पर रोज एक गिलास बियर, शिशु ट्रिप पर रोज सेवैया, रोज एक गिलास बियर पीता था। तो आपको ये लाइन याद करनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं सिस यानी सिस्टीन, ट्रिप यानी ट्रिप्टोफैन, रोज यानी कि इसमें जो आर है वो अर्जिनिन को डिनोट करता है, या जो वन लेटर सिंबल अर्जिनिन का है, देन एस जो वन लेटर सिंबल है वो सेरीन का है, और जो अर्जिनिन का जो आर है वो वन लेटर सिंबल है अर्जिनिन का, देन ग्लास का जो जी है वो वन लेटर सिंबल है ग्लाइसिन का। तो अगर आपने ये फोर्थ लाइन याद कर ली, शिशु टिप पर रोज सेवैया, शिशु टिप पर रोज सेवैया, रोज एक गिलास बियर पीता था, तो इसके बाद आप जो फोर्थ वर्टिकल कॉलम है और जो एक एक ब्लॉक पे जितने अमीनो एसिड हैं उन्हें आप प्लेस कर सकते हैं। तो पहले में कितने अमीनो एसिड हो गए? तो टू, क्योंकि स्टॉप कोडॉन दे डोंट लाइक सिंथेसाइज एनी अमीनो एसिड। ओके, देन सेकेंड ब्लॉक में वन। ओके, थर्ड ब्लॉक में अगेन टू, देन फोर्थ ब्लॉक में वन। ठीक है, तो टू वन टू वन। ओके, तो इसमें पहला ब्लॉक में टू अमीनो एसिड, देन नेक्स्ट में वन, देन अगेन थर्ड ब्लॉक में टू अमीनो एसिड एंड नेक्स्ट में वन अमीनो एसिड। ओके, तो ये जो हो गया, मैंने आपको ट्रिक बताई कि कैसे आप जेनेटिक कोड को एक टेबल की फॉर्म में फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे आप कोडॉन्स को लिख सकते हैं, और साथ ही साथ कौन सी ऐसी लाइंस है, या मैं जैसे आपको फोर लाइंस बताई, अगर आपने इन फोर लाइंस को याद कर लिया, लर्न कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड के उन्हें सेपरेट सेपरेट ब्लॉक में भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको सिर्फ चार लाइंस बताई, ये चार लाइन आप जरूर याद रखिए। अगर आपने ये चार लाइन याद रखी तो आप जितने भी अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड, उन सबको सेपरेट सेपरेट ब्लॉक में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर
यहीं पे मेरा जो वीडियो है ये फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।